307 पर न्यायालय ने दिए निर्णय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ठाकरे ने कहा कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, साथ ही वहां के लोगों को जल्द से जल्द मतदान करने का अधिकार मिले। आर्टिकल 370 हटाने के वक्त भी हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो POK है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो एक हिस्सा है वो बरकरार है। अपने कल्पना है कि 2019 सुद्धा हा निर्णय घेताना 370 कलम हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, त्याला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता। आजसुद्धा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवलेला आहे, त्याचा आम्ही स्वागत करतो। आणि त्याचबरोबरीने आशा आहे की दुसरा जो त्याने एक आदेश दिला की येत्या सप्टेंबर म्हणजे पुढच्या वर्षीच्या सप्टेंबरपर्यंत तिकडे निवडणुका घेतल्या गेल्या पाहिजेत, त्या निवडणुका घेण्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरसुद्धा जर का आपण घेऊ शकलो तर संपूर्ण काश्मीरमध्ये एकत्रित निवडणुका झाल्या तर सर्व देशवासियांना आनंद होईल। नाही आता त्याच्यावरती मी बोलेन, काश्मीरी पंडितांचा जो मामला आहे, अब हमें उम्मीद करूँ कि विश्वास कौन गॅरंटी देगा, क्योंकि अभी गॅरंटी का जमाना है। गॅरंटी कौन देगा कि काश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़कर भाग गए या भागना पड़ा उनको, तो वो सारे के सारे आप लौटेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? कौन ऐसी व्यक्ति इस देश में है जो गारंटी देगा कि आने वाले चुनाव के पहले जितने सारे कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बाहर गए हैं, उनको जाना मजबूर थे, वो जाना पड़ा था, वो फिर अपने घर लौटेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री इसकी गारंटी देंगे? हम जानना चाहते हैं। आता जो तुम्ही प्रश्न विचारला त्याला मी उत्तर दिलं की सध्या गॅरंटीचा जमाना आहे, की इसकी गारंटी उसकी गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री सुद्धा गॅरंटी देत आहेत की याची गॅरंटी मी घेईन, त्याची गॅरंटी घेईन, मोदी गॅरंटी त्याला म्हणतात। तर ह्या निवडणुका ज्या पुढच्या वर्षी घ्यायला सांगितलेल्या आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने, त्या घेईपर्यंत किंवा घेण्यापूर्वी जे काश्मीरी पंडित त्यावेळेला त्यांना जबरदस्तीने आपलं घर सोडून घरदार सोडून देशभरामध्ये त्यांना जावं लागलं आणि तेव्हा एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना महाराष्ट्रामध्ये एक आसरा दिला होता। आता मोदीजी ही गॅरंटी घेतील का की हे देशभर पसरलेले जे काश्मीरी पंडित आहेत हे निवडणुकीसाठी मतदान करायला आपापल्या घरी परततील आणि खुल्या वातावरणात तिथल्या निवडणुकीत ते मतदान करतील, ही गॅरंटी मोदीजींनी घ्यावी ही माझी त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे।